गौ रक्षक दल के जो मेंबर्स होंगे, अब उनको कैटल सॉल्टर बिल का उनको प्रोविजन है उनके पास, विजिलेंटी ग्रुप्स के पास पूरे पावर्स होंगे बस पकड़ने के, सवाल करने के, तो पूरे पावर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। ये फेस्टिवल को फेस्टिवल मनाने का मौका दिया जाए, ना कि कोई पकड़ धकड़ हरासमेंट करने का मौका दिया जाए। कैटल स्लॉटर बिल होंगे, हिजाब का नोटिफिकेशन होंगे, 4% रिजर्वेशन होंगे, वो कोई भी वायदे पूरा नहीं करे। जो कांग्रेस गवर्नमेंट को वोट डालो बोलकर जब आवाम को जमीनी सतह पे उतर के जो काम किए हैं, अब उनकी जिम्मेदारी है। और ये जो माइनॉरिटीज जो पहले भी परेशान थे बीजेपी की सरकार में, अब वो सेकुलर गवर्नमेंट के अंदर भी अगर परेशान लाने के बाद इनको हम सवाल भी करना है, जिताने के बाद हम खामोश रहेंगे तो इस तरह के हाल होंगे। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हगरगा रोड एंड मिसबाह नगर गुलबर्गा। स्टूडेंट्स गेटिंग एजुकेशन फॉर बोथ द वर्ल्ड्स बेस्ट एकेडमिक इंग्लिश एजुकेशन डिप्लोमा इन अरबिक 2024 एडमिशन स्टार्टेड। कॉन्टैक्ट एंड विजिट स्कूल फॉर मोर डिटेल्स। देखिए सबसे पहले कांग्रेस गवर्नमेंट को जो कैटल स्लॉटर बिल बीजेपी की गवर्नमेंट में पास हुआ था, उस टाइम पर जब कांग्रेस अपोजिशन में थी, जब इस कैटल बिल जब पास हो रहा था उस टाइम पे, चाहे वो जेडीएस होंगे कांग्रेस होंगे, दोनों ने बिल का अपोज किया था। और अपनी गवर्नमेंट जब बनेगी 2023 में आते ही इस तरह के जो भी एंटी पीपल पॉलिसीज के जो बिल हैं वो वापस लेते बोल के बोले थे, लेकिन एक साल होने को आ रहे हैं अब तक वो कैटल स्लॉटर बिल होंगे, हिजाब का इशू होंगे, हिजाब का नोटिफिकेशन होंगे, फिर बाद में आपका 4% रिजर्वेशन होंगे, जो भी वायदे कर कांग्रेस गवर्नमेंट आई थी वो कोई भी वायदे पूरा नहीं करे। सर अब ये बकरीद के टाइम पर वो कैटल बिल स्लॉटर बिल जो उसमें ये जो कौ विजिलेंटीज हैं उसमें उनको वो एक्ट ही इनको मजबूती देता है कि इस तरह के पकड़ सकते हो, और ऐसे पकड़ने वालों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होना बोलकर एक्ट ही विजिलेंटी ग्रुप को उनको ताकतवर बनाता है। अब ऐसा अगर ताकतवर रहने के बाद उन्होंने वो काम करेंगे, चाहिए ये था कांग्रेस गवर्नमेंट को, जैसे ही अपनी गवर्नमेंट आने के बाद ये जो कैटल स्लॉटर बिल के बारे में इन्होंने वापस लेते जो बोले अब तक नहीं लिए, उसी का नतीजा अब तक है। वही हो रहा है अब तक एक साल से कांग्रेस की गवर्नमेंट आकर, एक साल हो अभी भी कह लो हनीमून पीरियड में कांग्रेस गवर्नमेंट की दिशा दिख रहा है, अब तक वो बिल वापस कोई भी जो एंटी पीपल पॉलिसीज बोल के बोल रहे थे अब तक कांग्रेस के जो जब अपोजिशन में थे अब तक उसके ऊपर एक भी काम नहीं किए, सिर्फ जो 3-4 जो गारंटी है वो गारंटी के ऊपर 5 साल गुजारेंगे ऐसा दिख रहा है। तो बकरीद के मौके पर अब हम देखते हैं कि पीस कमेटी बना रहे हैं, अलग अलग कमेटी के बनाकर भी वेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि राम सेना होंगे या बजरंग दल होंगे, ये गौ रक्षक दल के जो मेंबर्स होंगे, ये लोग अपना काम स्टार्ट किए हैं। तो आवाम से गुजारिश यही है कि हम जब कांग्रेस को गवर्नमेंट को जब हम वोट करके लाते हैं, लाने के बाद इनको हम सवाल भी करना है, जिताने के बाद हम खामोश रहेंगे तो इस तरह के हाल होंगे। अब उनको कैटल सॉल्टर बिल का उनको प्रोविजन है उनके पास, विजिलेंटी ग्रुप्स के पास पूरे पावर्स होंगे बस पकड़ने के, आपके बारे में उनको सवाल करने के, तो पूरे पावर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। इवन पुलिस डिपार्टमेंट के भी हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि बिल वैसा खतरनाक है, उतना पावरफुल बिल है, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लिहाजा कांग्रेस गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ये है कि जल्द से जल्द इस तरह के जो भी बिल है, कैटल बिल हो, आपका 4% रिजर्वेशन हो, और हिजाब का जो नोटिफिकेशन है, जो भी चीज़ है उसको वापस लेना इमीडिएटली, जो बोल के वोट लेकर गवर्नमेंट बनी है उसके ऊपर काम करना। लास्ट टाइम हम कांग्रेस MLA गवर्नमेंट के घर के सामने ही खुद एहतजाज कर रहे हैं कि जो भी आपने वायदा किया है इसको पूरा निभाइए, बल्कि हम मैडम गणेश फातिमा के घर के सामने हम लोगों प्रोटेस्ट किए हैं 3 महीने पहले, उसके बावजूद भी अब तक कोई भी उसके ऊपर काम नहीं हो रहा है। एंटी पीपल पॉलिसीज का जो बीजेपी गवर्नमेंट आइटम पे लाए थे कुछ भी उसके ऊपर काम नहीं है, वही बरकरार रखकर वही खामोशी इख्तियार कर रहे हैं। तो कौम के जो उलेमाज हैं, जो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो मस्जिद के जिम्मेदार हैं, जो कांग्रेस गवर्नमेंट को वोट डालो बोलकर जब आवाम को ज़मीनी सतह पे उतर के जो काम किए हैं, अब उनकी जिम्मेदारी है कि आप कांग्रेस के जो जिम्मेदार हैं, कांग्रेस के जो MLAs हैं, कांग्रेस के जो इंचार्ज मिनिस्टर हैं, उनको आप वापस आप उनको हाथ पकड़ कर सवाल करना है कि हम आपको एक जिम्मेदारी के साथ वोट डाले हैं, आप उस वोट के तहत हमारे जो एंटी पीपल पॉलिसीज हैं उसको वापस लेना है, अब उसकी काम की ज़रूरत है। एट लास्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या पब्लिक हो या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो, आपकी क्या डिमांड है? यही डिमांड यही है हमारा कि जो आपने वादे किए थे, खाली 3 जो गारंटी के बिल, जो 4 गारंटी जो आप लोगों ने किए हैं उसके ऊपर ही नहीं रहना है। जो मेन मुस्लिम जो भी माइनॉरिटी खासकर, वो गारंटी को देकर वोट नहीं कर रहे हैं,
हम लोग जो बीजेपी की जो पिछली गवर्नमेंट है, खासकर बम्बई की गवर्नमेंट में जो भी एंटी पीपल पॉलिसी, खासकर माइनॉरिटीज को लेकर जो बिल्स लाए हैं, उसके खिलाफ हम लोगों ने वोट किया था, ना कि ये गारंटीज को लेकर। खाली ये गारंटी का लॉलीपॉप हमारे को एक साल से वही आप देते आ रहे हैं, अब वो लॉलीपॉप नहीं चलेगा। आप रियल गवर्नेंस करना है, जो जो भी एंटी पीपल बिल्स आए हैं उसको वापस लेना है। देखिए, सरकार ने तो बड़े बड़े वादे किए, बड़ी बड़ी हाँकी, लेकिन आज जो हमारे रियासत कर्नाटक के अंदर के जो हालात है, काउ विजिलेंटीज हंदे या कोई दल वल हंदे, उनको बहुत तकवियत मिली है। ये तकवियत मिली है चिल्ला पुकारी जब तक का रूलिंग में नहीं थे तब तक का, ये सब चिल्ला पुकारी चली सरकार की। अब जो सरकार है, सिटिंग गवर्नमेंट, ये आज क्यों खामोश बैठी? क्या इनको अवाम के बारे में या जो लोगों ने मैंडेट दिया है इनको कि शांति भंग हो रही है कर्नाटक राज्य के अंदर, जिस तरह का माहौल बना करके रखा गया था, क्या इस तरह के माहौल से क्या ये कर्नाटक को ऊपर लाया जा सकता, ये सोच करके जब अवाम ने मैंडेट दिया इनको, सरकार बनाने का इनको मौका दिया, तो सरकार की जिम्मेदारी है। आपने मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीजें लिखी, लेकिन कम अज कम वो गारंटीज से जरा बाहर आइए। वो गारंटीज आपकी वोटर्स को रुझा नहीं सकती, वो गारंटीज अवाम को कोई बेनिफिट दे नहीं सकती, वो गारंटीज किसानों को कोई फायदा नहीं पहुंचा रही, वो गारंटीज दलितों को कोई फायदा नहीं पहुंचा रही, वो गारंटीज मुसलमानों को कोई खास फायदा नहीं पहुंचा रही। जबकि एक फेस्टिवल जैसे माहौल के अंदर फार्मर्स अपनी जगह परेशान हैं, उनके बूढ़े जानवरों के ताल्लुक से या बकरा गाय भैंस के ताल्लुक से, तो उनके ताल्लुक से क्या गवर्नमेंट पॉलिसी लाई है? कोई पॉलिसी नहीं है। अब तक उन्होंने सिर्फ मैनिफेस्टो के अंदर जो बताया है बस बताया ही है। हाँ, 5 गारंटी को लेकर के उन्होंने स्टेट की इलेक्शंस को, असेंबली इलेक्शंस को आगे बढ़ाया, विन करके सरकार बनाई, उसके साथ साथ 5 गारंटीज को लेकर के आंध्रा तेलंगाना के अंदर वावेला खड़ा किया गया, हत्ता के नेशनल लेवल सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए भी उन्होंने जद्दोजहद की। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये 5 गारंटीज से लोगों ने मैंडेट नहीं दिया है? 5 गारंटीज तो एक अपनी जगह है, लेकिन ये फार्मर्स जो मेजॉरिटी है इस देश की, बैकबोन जिसे कहा जाता है इकोनॉमिकल बैकबोन, उसके लिए क्या कर रहे हैं? और ये जो माइनॉरिटीज जो पहले भी परेशान थे बीजेपी की सरकार में, अब जो सेकुलर गवर्नमेंट जिसको हम समझ रहे हैं, वो सेकुलर गवर्नमेंट के अंदर भी अगर परेशान है, तो मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि गवर्नमेंट के लिए मैंडेट देने वाले अवाम क्या करेगी, किसके पास जाएगी? क्या एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाने के बाद इसके सोल्यूशन है? नहीं है। इन्होंने बड़े बड़े वादे किए और इन्होंने यहाँ तक के कहा था कि हम फर्स्ट कैबिनेट के अंदर एंटी पीपल पॉलिसीज को हम उसके खिलाफ ये करेंगे। तो कैबिनेट, कितने कैबिनेट चाहिए, कब तक का ये चलेगा? मैं बिलखसूस कर्नाटका सरकार, सिद्धरामैया सरकार से मैं मुतालबा करता हूँ कि जो आपने वादे किए थे मैनिफेस्टो के अंदर, उसको आज तक आपने पूरा नहीं किया, आप पूरा करने के लिए चला जाए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ईद को, ये फेस्टिवल को फेस्टिवल मनाने का मौका दिया जाए, ना कि कोई पकड़ धकड़ हरासमेंट करके मेंटली फिजिकली हरासमेंट करने का मौका दिया जाए और इस राज्य की शांति को भंग ना किया जाए। मैं ये मुतालबा करता हूँ और ये भी अवामुन्नास से भी मैं मुतालबा करता हूँ कि आप अमन शांति को मेंटेन करने के लिए, साफ सुथराई को मेंटेन करने के लिए आप जिम्मेदार हैं, आप लोग भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। बिलखसूस मुसलमानों से मैं मुतालबा करता हूँ कि आप लोग सफाई सुथराई मेंटेन करें, और कॉरपोरेशन से भी मैं मुतालबा करता हूँ कि आप लोग भी अपनी जिम्मेदारी से अगर काम करेंगे तो ये जो गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट, जो अमन जहाँ पे रहता है, शांति जहाँ पे रहती है, वो शांति बरकरार रहेगी। This video presented by Peace Islamic International School Branch Hagraga Road and Misbah Nagar Gulbarga. Students getting education for both the worlds. Best academic English education. Diploma in Arabic. 2024 admission started. Contact and visit school for more details.